नमस्कार, सितारे पुलिस यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील स्वामी। स्वाइन फ्लू की बीमारी को ध्यान में रखते हुए आज आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग व हनुमान सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में भक्तजनों को काढ़ा पिलाया गया और यह काढ़ा सालासर मंदिर परिसर में पिलाया गया, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों को काढ़ा पिलाया गया। पुजारी परिवार, मान सेवा समिति तथा साला के सभी नागरिक, आयुर्वेदिक विभाग प्लस जो भी टीम कार्य प्रणाली में शामिल थी, उन सबको हम अति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री बालाजी का बालाजी ने आयुर्वेदिक में सक्रिय भूमिका आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने निभाई है और इस स्वाइन फ्लू के इस गंभीर दौर के अंदर जो आयुर्वेद विभाग ने जो भूमिका निभाई है, काढ़ा वितरण समारोह जो राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग की तरफ से हमें आदेश दिया गया था, उसका विवरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। 21 जनवरी से हमने ये काढ़ा वितरण शुरू किया, जिसमें काढ़ा वितरण और स्वास्थ्य परीक्षण दोनों चालू था। काढ़ा वितरण लगभग 10,000 व्यक्तियों ने काढ़ा किया था और डॉक्टर सरोज साई ने जो स्वास्थ्य परीक्षण किया उसमें प्रतिशाय के 80, कास के 30 और ज्वर के 20, 130 रोगियों का परीक्षण करके उन्हें निशुल्क चिकित्सा प्रदान की। और इसी के साथ स्कूल आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सालासर में 150 विद्यार्थियों को स्कूल में जाकर के हमने काढ़ा पिलाया। ये सारी व्यवस्था श्री हनुमान सेवा समिति के सौजन्य से की गई। दूसरे दिन का कार्यक्रम में 22 जनवरी को हमने काढ़ा वितरण किया, जिसमें लगभग 4,000 लोगों ने काढ़ा का सेवन किया। उसमें रोगी संख्या 135, प्रतिशाय जुखाम जिसको बोलते हैं 70, कास के 50, ज्वर के 15 और स्कूल में आदर्श विद्या मंदिर और संस्कृत विद्यालय दोनों में लगभग 550 विद्यार्थियों को हमने चिकित्सालय के द्वारा, इनकी टीम के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा हनुमान समाया सेवा समिति के तत्वाधान में स्वाइन फ्लू की दवा के रूप में जो काढ़ा ग्रामवासियों को, यात्रियों को, सभी लोगों को पिलाया गया है, इसका सभी को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, इसी में कामना करता हूं।